एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर से 8 शिल्प गांव चुने गए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें यूपी के भी 2 गांव को शामिल किया गया है। इनमें नैनी उत्तर प्रदेश और ताजगंज उत्तर प्रदेश शामिल है। यूपी के 2 शिल्प गांवों के अलावा रघुराजपुर ओडिशा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, वदाज गुजरात, अनेगुंडी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु और राजस्थान के आमेर को 8 शिल्प गांवों में चुना गया है। अब इन सभी गांवों में शिल्प संवर्धन और पर्यटन विकास एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिल्प गांव का उद्देश्य कारीगरों के लिए दस्तकारी को स्थायी और लाभकारी आजीविका विकल्प के रूप में विकसित करना है। प्रमुख पर्यटन स्थलों को हस्तशिल्प क्लस्टर से जोड़ा जा रहा है और वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत तथा जागरूकता जैसे कार्यक्रमों के साथ अवसंरचना समर्थन का प्रस्ताव किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपड़ा मंत्रालय ने प्रमुख पर्यटन स्थलों को हस्तशिल्प समूह से जोड़ने की पहल शुरू की है। शिल्पगांव दस्तकारी को सामूहिक रूप से कारीगरी के लिए स्थायी और लाभकारी आजीविका विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे देश की समृद्ध कारीगरी विरासत की रक्षा हो सकेगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 1000 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और इस कार्यक्रम से इन सभी शिल्पगांवों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।